यह घटना गोवा की है, जहां पे नाइट कर्फ्यू के दौरान दो पुलिसकर्मी तैनात थे। गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी, उसी वक्त पीछे से एक तेज रफ्तार कार आती है और दो पुलिस को जोर से टक्कर मारती है। एक पुलिसकर्मी की मौत मौके पे हो जाती है, दूसरा हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ देता है। क्या इसी तरह गोवा में क्राइम होता रहेगा? क्राइम गोवा में बढ़ता ही जा रहा है, इस पे कंट्रोल नहीं है। देखते हैं पूरी खबर। सेरोलिया में नाकाबंदी पे दो पुलिस कांस्टेबल तैनात थे। रात का वक्त था, दोनों पुलिस कांस्टेबल गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार कार आती है सामने से और टक्कर मार देती है। कांस्टेबल शैलेश कांपर की मौत मौके पर ही हो जाती है। वहीं कांस्टेबल विश्वास देकर को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो जाती है। अब सवाल यह है कि गोवा में इसी तरह पुलिस को शिकार बनाया जाएगा या ऐसे मनचले को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। गोवा पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। अब देखना यह होगा कि कितनी सख्त कार्रवाई किया जाता है। ते उभे आले ते नाकाबंदी तो उभे आले नी को ये दोन्ही गाडी कोण आले गाडी आणत